अब जो कुत्ता वहाँ पर रखले है, 2-3 गो कुत्ता है सब, तो ये सरकार है, ये तो गति करके मुँह भर रहा है, क्या यार कटवा के कितना हाई पड़ेगा, सब तरफ कर रहे सब खाना नहीं खिला रहा है, कुछ नहीं भी ये सब सब दलाली करके सब कुत्ता कटवा के बुला लिया। 4 दिनों के अल्ट्रासाउंड के लिए दौरा दौरी कर रहे हैं। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है, आप 2 दिन के बाद ब्लड दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो सिस्टर लोग का जो रवैया है, कोई पेशेंट का जो पेरेंट्स रहते हैं, जो उनका उनके साथ में रहते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है। लैट्रिन में व्यवस्था नहीं है, दरवाजा उरवाजा नहीं है, साफ सफाई के लिए दिक्कत होता है। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। तो सबसे पहला ये प्रवेश द्वार है और OPD में आपको जाना है, आपको एक्सरे करवाना है या अल्ट्रासाउंड करवाना है या फिर MRI करवाना है या फिर CT scan करवाना है। सबसे पहले आप जाएंगे OPD में, ये सामने आप देख पा रहे हैं कि OPD कॉम्प्लेक्स है, सीधा आपको जाना है और सबसे पहले नंबर आपको लगवाना होगा, एक पर्चा कटवाना होगा, ये चारों में जिस चीज़ की भी आपको काम करवाना हो। ये जो सामने कंप्यूटर की टिकट काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पर्चा कटवाना है, उसके बाद ही आपको CT scan, अल्ट्रासाउंड, MRI या फिर एक्सरे के लिए आपको जाना होगा। तो सबसे पहला आपको डॉक्टर की पर्ची को लेकर इस काउंटर पर आना है। लाइन में 3 घंटा हो गया। किस चीज़ के लिए CT scan के लिए, अल्ट्रासाउंड भी, CT scan। ये आप विजुअल के माध्यम से जो देख रहे हैं, काउंटर 3 है, एक इधर महिला का काउंटर लगाया गया है और 2 है पुरुष के काउंटर। कब से लाइन में लगी हैं आप? 1 घंटा से। 1 घंटा से किस चीज़ के लिए लगे? जाँच के लिए। तो जब आप यहाँ से पर्चा कटवा लेते हैं, जो भी यहाँ का शुल्क है वो शुल्क के साथ आप पर्चा कटवा लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी MRI करवाना है तो MRI विभाग में जाना है, CT scan करवाना है तो CT scan विभाग में जाना है, अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है तो अल्ट्रासाउंड विभाग में जाना है या फिर एक्सरे करवाना है तो एक्सरे विभाग में। तो उन चारों विभाग में भी आपको लेकर चलेंगे और वहाँ पर लोगों से ही बखूबी बातचीत करके बताएंगे कि क्या प्रोसेस है। जब आप यहाँ से पर्चा कटवा लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है और कैसे लाइन में आपको लगना होता है, कैसा नंबर मिलता है आपको और कैसे फिर ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो जब आप पर्चा कटवा लेते हैं तो आपको सबसे पहला यहाँ पर आपको एक एरो किया हुआ है कि आप MRI, CT scan, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन चारों में किसी भी चीज़ को करवाना है तो आपको इसी राइट जो रास्ते गए हैं, इसी रास्ते में आपको जाना है। इन चारों विभाग से आप वाकिफ हो सकेंगे और अपनी परेशानी को सुलझा सकेंगे। तो जब आप इस रास्ते में प्रवेश करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, रेडियोलॉजी विभाग, ताकि कोई भी मरीज अगर बाहर से आते हैं या फिर पहली बार रिम्स में आए हुए हैं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास ध्यान दिया गया है, सामने लिखा गया है रेडियोलॉजी विभाग। तो जब आप इस विभाग में आते हैं, MRI, CT scan और अल्ट्रासाउंड, इन तीनों का काम इसी रूम कमरे के अंदर होता है। सबसे पहले जब आएंगे तो आपको सबसे पहला ये जो कमरा मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है कि किस दिन आपको यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होगा या MRI होगा या फिर CT scan होगा। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस नंबर पर मिला है, और नंबर जब लग जाता है आपको तो उसी दिन आपको आना है और उसके बाद ये जो तीनों विभाग है, तीनों विभाग में आप बखूबी अपना काम करवा सकते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं 25वां कमरा नंबर है, सामने लिखा भी है पोस्टर में कि अल्ट्रासाउंड का नंबर लगाने का समय 9:00 से 11:00 तक, 12:00 से 1:00 तक और 3:00 से 4:00 तक। तो इन समय के बीच में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर लग जाएगा। क्या जांच के लिए आए हुए? जी, जांच के लिए। किस चीज़ के लिए? अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड जी। तो जब आप अल्ट्रासाउंड का नंबर लगा लेंगे, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको इसके दाहिनी ओर आना है और यहाँ पर आपको लाइन में लगना है, रुकना है। वहाँ पर जब पता चलेगा आपको बखूबी नंबर बाय नंबर आपको बुलाया जाएगा कि कब आपका नंबर है, कब आपको बुलाया जाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाना है या फिर MRI करवाना है। तो सभी चीज़ों को लेकर 4 दिनों के अल्ट्रासाउंड के लिए दौरा दौरी कर रहे हैं। आप 4 दिन से आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड, लेकिन अभी नंबर दिया अल्ट्रासाउंड के लिए, कल बुलाया, परसों बुलाया, दामाद भी है, लड़का भी है, परेशान है, नंबर के लिए काका कागज ये वो। अर्जेंट अगर लिखा हुआ है फिर भी यहाँ के मेडिकल स्टाफ जो है इतना बिहेव ख़राब है, इनका बात बोली इतना ख़राब है कि आपको बता नहीं पाएंगे। ब्लड बैंक में गए थे, ब्लड बैंक में इमरजेंसी में ब्लड चाहिए था, इसका ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 5 यूनिट था। अब बोलते रह गए फिर भी एक दिन उनको 22 तारीख को बिठा कर रखा गया कि 11 बजे रात तक रुकिए, आपको मिलेगा ब्लड। लेकिन 11 बजे रात भी सुबह 2 बजे से हम बैठे हुए थे, नहीं मिला। दूसरे दिन फिर जाके वो मेरा जो पुर्जा था, वो सैंपल था, बाहर टेबल पे फेंक दिया गया। मेरा ही नहीं, और भी पेशेंट का, मेरे पहले जो पेशेंट था उसका भी बाहर फेंक दिया गया। दूसरे दिन जाके नंबर फिर लगाए, तब जाके फिर करीब 3 बजे जाके ब्लड हमको मिला है।
जो कि इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? आप दो दिन के बाद ब्लड दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर तीन चार बार बोल चुके हैं अल्ट्रासाउंड हुआ आपका, कल आए, बोला नहीं होगा। अच्छा, आप कल से ही आ रहे हैं? कल ही आए थे, बोला इमरजेंसी को तुरंत करवाना होगा। हाँ, तो नहीं हुआ, आज फिर दोबारा लेकर आए, देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो अभी अल्ट्रासाउंड जिस जगह से होता है, आपको बताया कि लास्ट पोजिशन यहीं पर आना होता है आपको, यहीं से आपको अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जाता है। तो वहीं हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे और इनके साथ भी कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ तो अभी ठीक ठाक हुआ, अल्ट्रासाउंड में भी एक घंटा पहले गए हुए थे यहाँ से करवा करके, तो उन्होंने बोले कि एक घंटा के बाद रिपोर्ट आप ले आइए जा करके। तो अभी हम रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं, उसके बाद अभी एक्सरे का भी यहीं से होता है सर, तो एक्सरे करवाने के लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद एक अलग से मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो सिस्टर लोग का जो रवैया है वो थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ जाए। और रवैया कैसा है जो कि सुधार होना चाहिए? रवैया ऐसा है कि कोई पेशेंट का जो पेरेंट्स रहते हैं, जो उनका उनके साथ में रहते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है जो कि कोई कहने का बात नहीं है। वो किन्हीं का बात नहीं सुनती है और बोलने पर बोलती है कि जाइए शिकायत कर दीजिए ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं हमको। मेरी को परेशानी है कि मैं अपने पेशेंट को ले जाता हूँ तो ना ड्रेसिंग का सामान है ना कुछ, मैंने यहाँ कुछ सब व्यवस्था नहीं है। बोलते हैं कि यहाँ कुछ सामान है ये नहीं है, कोई डॉक्टर ड्रेसिंग के लिए बाहर से सामान मंगाते हैं, चूँकि हम लोग बाहर से आए हैं। केवल ड्रेसिंग के लेने के लिए हम लोग को 900 से 1000 रुपया लग जाता है ड्रेसिंग का, हर सामान लाने में है ना। और कोई मतलब बाहर से सभी दवाइयाँ लाना पड़ता है, पानी का भी असुविधा है, पानी तो यहाँ है ही नहीं है और प्लस दवा भी नहीं है। बाहर बाहर से दूर दराज से हम लोग आते हैं कि दवा की सुविधा मिलेगा सरकारी है ना, यहाँ एक बैंडेज का ना कोई यहाँ सुई का ना किसी तरह का व्यवस्था है। यहाँ का एकदम व्यवस्था जो है चरमराई हुई है और यहाँ आपका किसी तरह का साधन नहीं है। पेशेंट सारी अपने व्यवस्था बाहर से करते हैं। आपके मरीज के साथ क्या परेशानी है? मैं पेशेंट के साथ है कि ना दवा मिल रही है, बाहर से सभी दवाइयाँ खरीद के लानी पड़ती है और जहाँ तक ड्रेसिंग कराना पड़ता है वो भी ड्रेसिंग का भी सामान लाना पड़ता है। A to Z कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसमें हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, काफ़ी परेशानी के साथ इनको रिम्स में रहना पड़ रहा है, किन परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं इन्हीं से समझते हैं। क्या दिक्कत है? कुत्ता कटवा के मुआया है, यहीं पर ठेला पर रखवाया है, यही रिम्स है, कहाँ है? निगम को चाहिए कि भगाओ, लेकिन यार कुत्ता काट काट के यहाँ रख ले, मुड़ा दिया ठेकेदार पहले थे, अब कहाँ हो गए, अब मुगा तो दिया है, कुत्ता काट के खुआ के। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? पलामू में घर था, पलामू लिस्टिंग थाना। और किस चीज़ के इलाज के लिए रिम्स आए हैं? आए थे हम बीमारी में कुछ ठीक था, उसके बाद धीरे धीरे कुत्ता यहाँ रख दिया, कितना आए पड़ेगा, तड़प तड़प कर रहे हैं, सब खाना नहीं खिला रहा है, कुछ नहीं भी, सब दलाली करके सब कुत्ता कटवा के मुगा दिया। किस चीज़ का इलाज कराने आप आए थे? आए थे हम बीमारी में, लेकिन बीमारी में कुछ ठीक हो रहा था, धीरे धीरे कुत्ता कटवा के हम उगाया है, कितना हाय पड़ेगा, ये कुत्ता काट के यहाँ रह के इसको कैसन रह लियो, कहाँ हो लिया, तड़प तड़प। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार गिरी, कह दीजिए। गॉज बैंडेज कॉटन ग्लव्स इस सब का घोर अभाव था, आते आते मैंने जेम से ये टेंडर करके करा दिए और ये सब जेम से उपलब्ध करा दिया गया है, तो हमारे पास अब इसकी कोई कमी नहीं है। दवा से जो संबंधित है बात है, उसमें जो आवश्यक दवा है उसको हम लोग ले लिए हैं और जो दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसके लिए हम लोग ऑर्डर जारी कर दिए हैं, उम्मीद है कि वह भी बहुत जल्दी आ जाएगा। रिम्स निदेशक की बातों से तो लगता है कि वह अस्पताल की दशा सुधारने को लेकर गंभीर हैं, पर आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ का सिस्टम कब और कैसे सुधरेगा। अब लोग कुत्ता वहाँ पर रखले है, 2-3 गो कुत्ता है, सब तो ये सरकार है, ये तो गति तड़प तड़प कर रहे हैं, सब खाना नहीं खिला रहा है, कुछ नहीं भी, सब दलाली करके सब कुत्ता कटवा के भगा दिया। 4 दिनों के अल्ट्रासाउंड के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? आप 2 दिन के बाद ब्लड दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो सिस्टर लोग का जो रवैया है, कोई पेशेंट का जो पेरेंट्स रहते हैं, जो उनका उनके साथ में रहते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है। लैट्रिन में जो आता नहीं है, दरवाजा वरवाजा साफ सफाई के लिए दिक्कत होता है।